उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने सभी पटवारियों को भ्रष्ट बताया, जिससे पटवारियों में आक्रोश है। आज से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और मंत्री जीतू पटवारी से माफी मांगने की बात पर अड़े हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा मध्य प्रदेश के पटवारियों के विषय में जो रिश्वतखोर बोला गया है, उसके विरोध में हम लोगों ने दिनांक 30 तारीख से सामूहिक आवेदन देकर अवकाश ले लिया था। अवकाश पर रहे कि कहीं मंत्री जी का बयान इन 3 दिनों के अंदर वापस होता है तो हम लोग अन्नदाता के बीच में जाकर पुनः सर्वे का काम करेंगे, फसल मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री जी अपने बयान पर अडिग हैं, वो अपना बयान वापस नहीं लेना चाहते। तो हम लोगों ने आज दिनांक 3/10/2019 से कलम बंद करके वस्त्र जमा करके हड़ताल पर चले गए हैं। विदिशा जिले के समस्त तहसीलों में समस्त पटवारी एवं मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में समस्त जिलों के पटवारियों ने आज दिनांक 3 तारीख से आगामी आदेश तक अनिश्चितकालीन हड़ताल का आंदोलन शुरू कर दिया है। उसी तारतम्य में हम लोग आज सुबह 10:30 बजे से टेंट लगाकर तहसील प्रांगण में धरना स्थल पर बैठे हुए।